हम लेकर आए आपके पास एक नया चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना नहीं भूले और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो हमारा बेसिक्स था जो पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की दैट इज मैकेनिक्स। यस आज हम बात करेंगे किसकी, मैकेनिक्स की। ठीक है तो सबसे पहली बात मैकेनिक्स का मतलब क्या है। अभी हम दो तीन यूनिट्स पढ़ने वाले हैं और दोनों तीनों यूनिट्स किसके ऊपर बेस होगी, पूरा का पूरा मैकेनिक्स के ऊपर। जैसे हम लोग कह रहे थे हमने नाइन्थ में पढ़ा था, नाइन्थ से पहले हम लोग सिर्फ एक साइंस की छोटी सी बुक पढ़ते थे, फिर नाइन्थ में आ गए तो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन अलग अलग पार्टमेंट्स बन गए। अब जब हम आगे फर्दर आ गए, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है पर उसके भी क्या है फर्दर पार्ट्स है लाइक हमारी मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत कुछ है। पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, मैकेनिक्स की। तो अगर हम बात करें मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। ठीक है इसके बारे में बात करेंगे आप लोग मोशन के बारे में, मोशन क्यों है, कैसे है, उसका मैथमेटिकल टर्म्स क्या है, किस तरह से मोशन वेरी कर रहा है, सब कुछ मोशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं, मोशन क्यों हो रहा है, क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या इसका कोज है, ये सब रीजंस आपको कहाँ पे मिलते हैं, हमारे मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मोशन के बारे में। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बात भाई, मैकेनिक्स वो चीज है जिसमें आप मोशन के बारे में बात करेंगे। देन अब क्या बोला, इस मैकेनिक्स के भी फर्दर पार्ट हो गए। अब आपको पार्ट ही पार्ट होते जा रहे हैं, चीजें तो बढ़ती जा रही है तो आप भी तो बढ़ गए हो। पहले आप 8th में थे, फिर आप 10th में हो गए, 9th में हो गए, अब 11th में हो गए। तो वैसे भी अब आप एक साइंस स्टूडेंट है, आपने साइंस वर्ल्ड में एंट्री कर ली है तो हमें चीजें तो सीखनी पड़ेगी नहीं नहीं। तो चीजों को नया और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो क्या बोला हमें, मैकेनिक्स जो है उसकी हमने क्या कर दी, फर्दर तीन ब्रांचेस बना दी। पहली ब्रांच का हमने नाम रख दिया स्टैटिक्स। ठीक है पहली बात का क्या नाम रख दिया, स्टैटिक्स। दूसरे का नाम रखा काइनेमेटिक्स, जो हमारी पूरी यूनिट है, जो हमारे 11th में सिलेबस का टॉपिक है काइनेमेटिक्स। और तीसरा नाम क्या रख दिया हमने, डायनामिक। क्या किया आपने, क्या बोल रहे हैं, हमारे मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसके तीन पार्ट हो गए। पहली का नाम आया स्टैटिक्स, अगली का नाम आया काइनेमेटिक्स और थर्ड का नाम क्या आ गया, डायनेमिक। नाम याद हो गए, पहली पूरी जो चीज पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। फिर क्या बोला, अब हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिक्स के फर्दर पार्ट हो गए। पहला नाम आया स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है ऑब्जेक्ट मोशन में ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो किसमें, रेस्ट में। अगर आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को क्या बोल देते हैं, स्टैटिक। नॉट इन मोशन वाली चीजें किसमें पढ़ी जाएगी, स्टैटिक ब्रांच में। स्टैटिक का मेन मतलब भी क्या होता है, रेस्ट। ठीक है अगला नाम आया काइनेमेटिक, जो ये काइना वर्ड है इसका मतलब होता है मोशन, है ना, काइन मास्टर है ना आपका, वो मोशन में ले आता है चीजों को तो इसीलिए उसका नाम रख दिया काइन मास्टर। यहाँ पे क्या है, काइनेमेटिक्स तो मतलब मोशन, मतलब मोशन का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो उसको क्या बोल देते हैं, काइनेमेटिक्स। अगला वर्ड आया डायनेमिक, डायनेमिक में भी हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक हो चाहे डायनेमिक हो दोनों में ही किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मोशन के बारे में। फिर इन दोनों के अलग अलग ब्रांचेस क्यों भाई, इकट्ठे ही रख देते मोशन ही पढ़ना, ऐसा ही कुछ सोच रहे हो ना सब लोग, सही सोच रहे हो। पर हम क्या कर रहे हैं कि काइनेमेटिक में हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे पर उनके कोज के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे उसके कोज के बारे में, विदाउट एनी कोज हम लोग उस कोज क्यों हो रहा है मोशन इसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, विदाउट एनी कोज। जबकि डायनेमिक में हम क्या कह रहे हैं, डायनेमिक में हम पढ़ने वाले हैं विद कोज।
भाई उस चीज का क्यों हुआ ये? आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये चला तो क्यों चला? क्यों चला ये वर्ड ढूंढना हमें कौन सिखाता? फोर्स, फ्रिक्शन लगा, फोर्सेस कितने टाइप के हो रहे हैं, ये जो भी हम पढ़ेंगे वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? डायनेमिक्स के अंदर। भाई मोशन हुआ तो क्यों हुआ, क्या था ऐसा कि मोशन आया, क्या था उसको जिसने रोका, ये सब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डायनेमिक में। पर अभी हमारे क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक। काइनेमेटिक का मतलब क्या? मोशन का मैथ। मतलब हमें कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सुना है ना सबने, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में पढ़ना है हमने। और इन सब में भी क्या पढ़ना है, इसका रीजन नहीं ढूंढना है भाई इतनी स्पीड क्यों हुई ना, कितनी स्पीड है, स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, इस बारे में बात कौन करता है? हमारा काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक आपके पास क्या हो गई? फिजिक्स की वो ब्रांच है काइनेमेटिक आपके पास, जो किसके बारे में बात करेगी? मोशन के बारे में, बट विदाउट एनी कोज, कोज के बारे में बात नहीं करती है। डन है इतनी बात? चलो तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं हमारे काइनेमेटिक्स के बारे में, जिसका मतलब है मोशन मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल मतलब क्वेश्चन काइनेमेटिक का क्या है? मोशन मैथमेटिक्स। या फिर हम बात क्या कर रहे हैं कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट एनी कोज, उसके कोज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखो ध्यान से आगे क्या पढ़ना है आपने। सबसे पहली बात हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा ये टर्म जो है वो मोशन है, तो इस टर्म को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई। एक्चुअल में सिनेरियो क्या होता है मोशन, या फिर दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, नॉट मोशन, मोशन में नहीं है, मतलब इसमें रेस्ट में है, है ना? तो मोशन या रेस्ट, मोशन या फिर रेस्ट, मोशन या रेस्ट होता क्या है? सिंपल सी बात है, मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके टाइम के साथ और साथ ही साथ उसके रेफरेंस पॉइंट के साथ। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग। अभी क्या है, एक फिक्स पॉइंट कर दे, मतलब मैं क्या हूं, मान लो यहाँ फिक्स हो गए, ठीक है, अभी ये क्या है, मोशन में है, है ना? अभी आप क्या कहोगे, इस ऑब्जेक्ट ने, इस मार्कर ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका टाइम, हमने दो मिनट बाद इसको देखा, ये चल चल के कहां गया, यहां, तो दो मिनट बाद इसकी पोजीशन कुछ और है। पोजीशन कुछ और होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या, मैं फिक्स हूं, मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग है किस पे, मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको यही रखू, दो मिनट बाद भी यही है, पांच मिनट बाद भी यही है, तो ये किसमें हो जाएगा? रेस्ट में। नहीं कह सकते आप, क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता भाई किसके रेफरेंस में पूछा। अगर ये पूछे मेरे रेफरेंस में, मेरे से पूछा जाए इस टाइम पे आपके रेफरेंस पे क्या है, तो ये किसमें हो जाएगा? रिस्ट में हो जाएगा। बट उसी टाइम अगर क्या कहा जाए, अर्थ के विद रिस्पेक्ट बताइए, तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट ये किसमें है? मोशन में है, क्योंकि अर्थ खुद से क्या कर रही है, रिवोल्व कर रही है। जब अर्थ रिवोल्व कर रही है मतलब वो मोशन में है, और वो मोशन में है तो ये चीज उसके अंदर है, तो वो भी क्या कर रही होगी? मोशन में होगी। तो रेस्ट और मोशन, सबसे पहली बात क्या आई, ये दोनों एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि किसके रिलेशन में हम ये बात कर रहे हैं। मतलब एक पॉइंट को आपने क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो मोशन आपके पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। पर कब होगा, जब आपने क्या कह दिया, व्हेन इट, मोशन में कब होगा, जब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, ठीक बात, टाइम के साथ साथ अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा तो उसे क्या बोल देंगे, मोशन, ठीक है। और अगली बात क्या होगी, जो चेंज नहीं करेगा उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेस्ट। तो रेस्ट के बाद
बारे में बात करेंगे तो वो किसका नाम होगा? स्टैटिक्स। और मोशन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स या फिर डायनेमिक। ठीक बात है ना? तो अभी इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर किस किस तरह से मोशन के टाइप्स होते हैं। ओके, तो अभी हम क्या बात करेंगे हमारे मोशन के टाइप्स की। तो सबसे पहली बात क्या है टाइप्स ऑफ मोशन में? फर्स्ट टाइप जो आता है वो क्या आता है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या नाम दे देते हैं हम इसे? रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसका एक सिंपल सा चीज है भाई, सिंपल फंडा, स्ट्रेट लाइन मोशन। इजी सा फंडा है ना भाई, सबको पता चल गया नाम से कि अगर आपका मोशन क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। एंड मूव कर रही है, एंड मूव कर रही है तो हमेशा क्या होती है? एक सीधी लाइन में जा रही होती है, तो वो कौन सा मोशन हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास दूसरा नाम आता है मोशन, ये जो है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है ना, एक ही डायमेंशन में हम बात करते हैं। अगला जो मोशन है वो है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब हम टू डायमेंशन पे आ गए, तो टू डी हो गया हमारा मोशन। उसमें क्या होता है? अलोंग ऑफ फिक्स एक्सिस, एक एक्सिस हमने फिक्स कर दी, उसके अलोंग अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या? सर्कुलर मोशन। अगला हमारा नाम क्या आता है? हमारा लास्ट नेम ओसिलेटरी मोशन, या फिर टू एंड फ्रो मोशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना? ओसिलेटरी, पीरियोडिक, सबका मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो, कोई चीज गई फिर वापस आई, फिर गई फिर वापस आई। तो ओसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टू एंड फ्रो मोशन को ओसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन। तीन टाइप्स है हमारे पास। पहला नाम हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर, दूसरा हमने नाम पढ़ लिया सर्कुलर, और तीसरा नाम हमारे पास क्या आ गया? हमारा ओसिलेटरी मोशन। डन है इतनी बात? अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी एक बहुत नई चीज, दैट इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको नाम ले लेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। है क्या ये चीज भाई? पॉइंट साइज नाम से क्या लग रहा है? छोटी चीज। अच्छा, क्या ट्रेन का भी छोटा है क्या? ट्रेन को पॉइंट साइज बोल सकते हो? कुछ एक क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। तो देखिए, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लियर, नंबर क्लियर। क्या है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट आपको क्या कहता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कवर्ड। क्या बात हुई? वो ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस कवर्ड, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, डिस्टेंस कवर्ड या फिर क्या नाम ले लेते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर हो सकती है, और कोई छोटी सी चीज भी जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट साइज ही होगी। कैसे? अगर मैं बात करूं, लाइक मैंने ले लिया, मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन हमने माना कि ये ट्रेन 600 मीटर की है। अब ये ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गई, और वो स्टेशन ऑलमोस्ट क्या है? 6000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये कंडीशन आपको बोली कि एक ट्रेन है, वो मूव कर रही है, उसने 6000 किलोमीटर मूव करा, तो वो ट्रेन जो 600 मीटर की है, क्या वो पॉइंट साइज है या नहीं है? तो ध्यान से देखिए, 6000 किलोमीटर इज वेरी मच ग्रेटर देन 600 मीटर। मतलब जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 6000 किलोमीटर इज वेरी मच ग्रेटर देन 600 मीटर। जब वो बहुत ज्यादा इससे बड़ा है, तो इसका मतलब वो जो ट्रेन है, वो ट्रेन कैसी कंसीडर होगी? ट्रेन इज कंसीडर्ड एज पॉइंट साइज। ट्रेन को हमने क्या मान लिया? पॉइंट साइज है। ऐसी कार है आपके पास, कार क्या हुई? एक तो आपकी कार हमने मान ली, कार जो है वो 10 हमारे पास मान लिया 20 मीटर्स की है, ठीक है। अब ये कार क्या हुई? 20 मीटर्स की, और आपके घर से स्टार्ट हुई और थोड़ी सी दूर जाकर सिर्फ 200 मीटर तक चली, और चलकर उसने पूछा कि कार क्या है आपके पास, पॉइंट साइज है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेरिजन टू कार का साइज। बट उसी टाइम वो कह रहे कि वो 200 किलोमीटर चलकर आई है,
तो कार क्या कंसीडर हो जाएगी आपके पास? पॉइंट साइज। तो मतलब कार वैसे क्या है? बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत बड़ी को भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट साइज कंसीडर कर सकते हैं। तो मेन बात यहाँ से आई, पॉइंट साइज क्या होता है? पॉइंट साइज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो उसके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर डिस्टेंस ट्रेवल साइज से बड़ा होगा तो उन ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पूरे काइनेमेटिक्स में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबको क्लियर है? आज हमने क्या देखा? मेनली बेसिक इंट्रो क्या होता है हमारे, किसका? काइनेमेटिक्स का, या फिर आप बोल सकते हैं मैकेनिक्स का। अब हम फर्दर देखेंगे कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स किस तरह से मोशन वन डायमेंशन में होता है, किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास आएगी, फिजिकल क्वांटिटीज की क्या क्या यूनिट्स होगी, और इसी तरह आगे फर्दर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो अभी आपने क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना।